नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट टीम। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत का एकमात्र ऐसा बिजनेस जो कि अब तक का सबसे सस्ता बिजनेस है। उसके बाद उसको आप अपनी पॉकेट मनी से जो आपको खर्चे के लिए जो पैसे मिलते हैं ना, उससे भी आप अपना खुद का बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बदले के अंदर हर महीने तकरीबन आप 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग है वो ले सकते हो। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने रोजगार दिया जो पेप्सी किट के माध्यम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने मात्र 3,000 रुपये की रेंज से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने वाले हैं पल्पी पेप्सी के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूंगा कि आप मात्र 3,800 रुपये से अपना खुद का बड़ा बिजनेस किस प्रकार से खड़ा करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है कि न लेबर की जरूरत, न मतलब कि आपको कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप अपना खुद का बड़ा बिजनेस है वो खड़ा कर सकते हो। मात्र अपनी पॉकेट मनी से जो आपने पैसे बचाए ना, उसी को अगर आप बिजनेस के अंदर लगाओगे ना, तो आप एक बड़ा बिजनेस है वो खड़ा कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि तो यहाँ पर दोस्तों ये इंडिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस हो सकता है अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो मात्र 3,800 रुपये रेंज से। तो मैंने ये खास किट लॉन्च किया है मात्र 3,800 रुपये के अंदर, जिसको ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर इसकी डिलीवरी है। दोस्तों जिस प्रकार से आप पेप्सी देख पा रहे हो, तो ये जो पेप्सी है ना, ये पूरी पल्पी पेप्सी और बिल्कुल ही मतलब की गाड़ी पेप्सी है। मार्केट के अंदर ऑन डिमांड सबसे ज्यादा बिकेगी भी इसके अंदर। 1 रुपये के अंदर 2 पेप्सी दे सकते हो, 1 रुपये वाली लॉन्च कर सकते हो खुद की पेप्सी। उसके बाद इसके अंदर आप 3 रुपये वाली भी पेप्सी लॉन्च कर सकते हो, 5 रुपये वाली पेप्सी भी लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि ये पल्पी पेप्सी है। और इसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने पहले बता दिया है कि पॉकेट मनी से स्टार्ट होने वाला बिजनेस, इस कारण से हमने इसका एक खास किट लॉन्च किया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियो अगर देखे होंगे, तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पानी वाली पेप्सी किस प्रकार से बनानी है, उसके बाद जेली वाली पेप्सी वो किस प्रकार से बनानी है, और फाइनली हम एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ गया। तो कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल किट, जो कि है पल्पी वाली पेप्सी। एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट रहने वाला, और इस कॉन्सेप्ट से आप हर महीने अच्छी खासी इनकम है वो ले सकते हो। और वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि इस बिजनेस को आप सिर्फ, ये भारत का सबसे सस्ता बिजनेस है अब तक का, और इस बिजनेस को आप अपनी पॉकेट मनी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि आप अगर स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी काम वगैरह नहीं है, तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हो। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो, उसके बावजूद इस बिजनेस को किसी दूसरे बंदे को काम पर रख कर भी अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पल्पी वाली पेप्सी हम किस प्रकार से तैयार करेंगे और मार्केट कैप्चर इसका किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये एक टंकी ले ली है, और आपको इस प्रकार की एक टंकी लेनी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। आप इसके अंदर कोई भी XYZ RO का पानी यूज कर सकते हो, नल के अंदर जो पानी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसके अंदर अगर गर्म पानी लेते हो, तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर पानी ले लिया। अब मैं इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ शुगर। आप इसके अंदर शुगर मिक्स करते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका टेस्ट बना रहेगा। इसके अंदर आप सैक्रीन भी है वो यूज कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया पूरा ये वाला शुगर। अब मुझे इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद शक्कर को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको मिक्स करना है इस प्रकार का पल्पी फ्लेवर। और सबसे अच्छी बात ये कि इससे के अंदर जो भी मतलब कि अगर ये ऑरेंज की है, तो ऑरेंज का ऑटोमेटिकली इसके अंदर पल्पी फ्लेवर आ जाएगा। मैंगो तो है मैंगो आ जाएगा, लेमन है तो लेमन आ जाएगा, लीची है तो लीची आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये खास हमने कंपनी से ये कहकर बनवाया ताकि फ्यूचर के अंदर जो नए कंटेंट आएंगे ना पेप्सी के रिगार्डिंग, वो सारे पल्पी वाले ही आएंगे। तो मैं इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मतलब कि मिक्स कर देता हूं। ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर मैंने फ्लेवर है वो मिक्स कर दिया। और आप देख पाओगे कि ये पूरा मतलब कि अच्छे तरीके से आपका जूस है वो रेडी हो चुका है। मतलब कि कोई आपको बिना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका पूरा जूस है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। चलिए अब ये जूस जो रेडी हो चुका है, इसके अंदर मुझे अब इसको टेस्ट देने के लिए प्रकार का जो कंपाउंड है, जो पार्ट भी है, वो इसके अंदर है मुझे मिक्स करना है। ये जो कंपाउंड है, इससे इसका टेस्ट है वो और भी लाजवाब हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको इसके अंदर है वो मिक्स कर देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए up to 3 months, मतलब कि 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर डाल देता हूँ प्रिजर्वेटिव। और यहाँ पर दोस्तों प्रिजर्वेटिव आता है, उसकी क्वालिटी अलग अलग आती है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है। इसको अगर आप खरीदना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पर डायरेक्टली इसको है वो मतलब कि बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 ढक्कन है वो मिक्स कर देता हूँ। इससे क्या इसकी लाइफ है वो मतलब कि बढ़ जाएगी आपके 3 महीने तक। अब इसको यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल ही पूरे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देता हूँ, और आप देख पाओगे कि आपका जूस है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है।
और आप अपना खुद का बिजनेस इस प्रकार से अपना स्टार्ट है वो कर सकते हैं। पर दोस्तों फाइनली हमारा जो पल्पी वाला पेप्सी का जूस है वो तैयार हो चुका है और ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखोगे कितना गाढ़ा हुआ ये, और ये जैसे जैसे एक टाइम बाद और गाढ़ा होता जाएगा, पल्पी और बनता जाएगा। इसके अंदर आप 1 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली तक है वो पेप्सी बना सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से मैं फील करना है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर अगर मुझे मैंगो के अंदर रोल के अंदर फील करना तो मैं मैंगो रोल के अंदर फील कर सकता हूँ, अगर मुझे ट्रांसपेरेंट के अंदर करना तो ये ट्रांसपेरेंट के अंदर भी हो जाएगा। और ये जो एस्टीमेट आते हैं ये 60 माइक्रोन के रोल आते हैं ताकि मशीन से अच्छी तरीके से वो आपके कट हो जाएंगे। और बाकी जो रोल आते अगर आपको सस्ते मार्केट के अंदर मिलता है तो उसके जो माइक्रोन की कैपेसिटी आती है, यानी कि माइक्रोन की जो क्वालिटी आती है वो बहुत ही लोएस्ट आती है, तो इसके अंदर लीकेज की आपके प्रॉब्लम है वो हो सकती है। ठीक है, ये मैंने रोल ले लिया, मैं यहाँ से इसको आसानी से इसके अंदर मतलब कि डाल देता हूँ नल के अंदर। अब नल के अंदर फील करने के बाद लोगों की शिकायत आती है कि इसको मतलब कि कैसे करना था। यहाँ पर दोस्तों एक टैप आपको लेनी है, यहाँ पर आप चाहे तो इसके अंदर धागा वगैरह भी वो बांध सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर कर दिया, अब मैं यहाँ से इसका नल है वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख पाओगे कि जूस मतलब कि आ रहा है, अब ये आसानी से मतलब कि पूरा भरना स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से मतलब कि पल्प बाहर निकल रहा है और पल्प आसानी से मतलब कि पेप्सी के अंदर जा रहा है। मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट आपके धूम मचा देगा, धूम, क्योंकि मार्केट के अंदर पानी वाली पेप्सी खूब बिकती है, लेकिन ये जो पल्पी वाली पेप्सी जब बच्चे भी खाएंगे और रिटेलर आपसे डिमांड करेंगे नहीं मुझे ये वाली पेप्सी ही चाहिए, हम ये पहली पेप्सी मैं काटने वाला हूँ तो यहाँ इतना जो पार्ट है वो आपके ऑटोमेटिक वेस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कट कर दी, देख सकते हो कि मैं पहली पेप्सी काटने वाला हूँ, तो आप इतना इसके अंदर मतलब कि आपको जूस है वो फील करना है। ठीक है, यहाँ से मतलब कि आप प्रेस तो आप देख पाओगे कि ये पेप्सी हमारी है वो मतलब कि बिल्कुल ही पैक हो चुकी है, उसके बाद ये लीकेज की प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब होता ये कि जब आप पीछे से प्रेशर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रखते हो ना तब आपकी शिकायत है वो होने लगती है। देख सकते हो कि मतलब कि ये जो अभी पेप्सी तैयार हो रही है ना ये 1 रुपये के अंदर इसको आप दो आराम से मतलब कि बेच सकते हो। ठीक है, अगर आपको इससे थोड़ी बड़ी साइज करते हो मतलब कि 5 इंच करते हो, इतनी बड़ी करते हो तो ये मार्केट के अंदर आपके 2 रुपये के अंदर बिकेगी, और अगर इससे भी बड़ी करते हो तो 3 रुपये के अंदर इसको अंदर आराम से आप है वो बेच पाओगे। आपने दोस्तों देख लिया कि पेप्सी मतलब कि आपको किस तरह से कट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली और 3 रुपये वाली का क्या हिसाब किताब रखोगे आप। अगर आपको जैसे कि 1 रुपये वाली बनानी है तो इसके अंदर आपको 5 इंच का है वो पार्ट कट करना पड़ेगा। ये आपकी जो पेप्सी बनेगी ना ये बनेगी आपकी 1 रुपये वाली, मतलब कि इसके अंदर आपको 5 इंच का है वो पार्ट टुकड़ा है वो कट करना है, और आसानी से आप इस मशीन के माध्यम से 5 इंच की वो पेप्सी काट सकते हो। तो ये जो बन रही है अभी ये 1 रुपये वाली बन रही है। अगर इसको मुझे 2 रुपये वाली पेप्सी बनानी है तो मुझे इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी और बड़ी करनी पड़ेगी, और यहाँ पर दोस्तों इसकी मैं साइज़ जस्ट इसे डबल कर दूंगा ना तो ये पेप्सी है वो 2 रुपये वाली आपके बन जाएगी, और इतनी बड़ी पेप्सी है तो ये 2 रुपये वाली आपके बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पेप्सी है ये आपके बन गई है 2 रुपये वाली। अब मार्केट के अंदर डिमांड आने लग गई है कि 1 रुपये के अंदर दो पेप्सी, 1 रुपये के अंदर 2 पेप्सी, तो यहाँ पर दोस्तों इसके छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट करने आपको, और इसके अंदर जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये फायदा कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों इस प्रकार अगर आप छोटे छोटे इसे टुकड़े करोगे ना तो ये 1 रुपये के अंदर 2 आपके पेप्सी वो आसानी से वो बिक जाएगी, और इस मशीन के माध्यम से आप बहुत ही फास्ट स्पीड से मतलब कि इसकी कटिंग है वो कर सकते हो 1 रुपये की 2। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे अगर आपको इसको बाय करना तो नीचे जो नंबर चल रहा है वहाँ से आप इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो, हमारी खुद की एप्लीकेशन है प्ले स्टोर। और यहाँ पर दोस्तों इस पेप्सी किट को आप डायरेक्टली हमारी खुद की एप्लीकेशन है जो कि राइट ह्यूमन है, यहाँ से आप डायरेक्टली है वो इजी टू वे के अंदर यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने ओपन कर लिया तो आप देख पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर आपको जो भी मशीनरी के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दोस्तों वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पेप्सी किट, जेली की मशीन, पाउच फिलिंग मशीन वगैरह सारी वो मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों मैं पेप्सी किट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो पेप्सी किट के बारे में जो भी आपको मशीनरी वगैरह चाहिए वो सारी की सारी यहाँ से मिल जाएगी, जिसके अंदर 500 रुपये एडवांस है और बाकी
कैश ऑन डिलीवरी के अंदर ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी आपने देख ही लिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि पेप्सी किट, जो पल्पी पेप्सी किट हमारा जो प्रोडक्ट है, इसको मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने अनबॉक्सिंग के लिए सबसे पहले ये कर दिया, यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग कर दी। वैसे स्टेटस पर तो आपको देखने को मिल ही जाती है रोज अनबॉक्सिंग, ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे, सबसे पहले इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला बुक मिलती है, जिसके अंदर टोटली हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किस प्रकार से बनाना, चाहे पाउच फिलिंग मशीन हो, चाहे पल्पी वाली पेप्सी हो, विरवा का पाउडर हो, कुछ भी एक्सवा जेड, उसके अंदर आपको सारे के सारे इसके अंदर आपको फॉर्मूले वो मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर मिलता है प्रेजर्वेटिव, मतलब कि इसकी पेप्सी को वैलिडिटी एक्सटेंड अप टू 3 महीने के लिए, जो उसकी वैलिडिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको प्रेजर्वेटिव मिल जाता है। और इसको आप सेपरेटली अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ से अलग अलग भी बाय कर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पर दोस्तों टेस्ट के लिए आपको इस प्रकार के कंपाउंड है वो मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसको मीठा करने के लिए इसके अंदर आप स्वीटनर भी यूज कर सकते हो। मैंने इसके अंदर शक्कर प्योर शक्कर यूज की थी, लेकिन इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि मेरी पेप्सी की कॉस्टिंग और कम बैठे तो इसके अंदर आप स्वीटनर है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये मिलते हैं आपको पल्पी फ्लेवर, जो कि आते हैं ऑरेंज, उसके बाद एक यहाँ पर मैंगो का मिल जाएगा, और तीसरे नंबर पर आता है आपके लिए लीची फ्लेवर, और ये पल्पी पेप्सी से आप तैयार कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक और फ्लेवर मिलता है, जो कि आता है जीरा। अभी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड के अंदर जीरा फ्लेवर चल रहा है, और ये जीरा का फ्लेवर आपको इससे मिल जाएगा। इससे एस्टिमेट जीरा वाली जो पेप्सी है ना, वो तकरीबन आपके 5 से 6 हज़ार पेप्सी है वो जीरा वाली तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको मिलते हैं रोल, जो कि आते हैं बहुत ही ज़्यादा वजनी रोल है। इससे एस्टिमेट आपके 4 रोल है, ये आता है 1 इंच वाला रोल है। इससे एस्टिमेट आपके अगर आप 1 रुपये के अंदर 2 पेप्सी बेचे तो 5 हज़ार के आसपास बन जाएगी। अगर 2 रुपये वाली पेप्सी बनाते हो तो 1500 के आसपास बनेगी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। मैंने पहले बता दिया कि ये 80 माइक्रोन का प्लास्टिक है, तो लीकेज की प्रॉब्लम आपके बिल्कुल भी नहीं होगी। जो मार्केट के अंदर जो दूसरे हैं उनके अंदर आपको 25-30 माइक्रोन का मिलता है प्लास्टिक, जिसके अंदर लीकेज की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है 37 mm का ये रोल, जो कि 1.5 इंच का आता है। इसके अंदर आपके एस्टीमेट 8 से 9 हज़ार पेप्सी तैयार हो जाएगी, 1 रुपये के अंदर जो बिकती है 2 वो। और अगर आप 1 रुपये वाली पेप्सी तैयार करते तो 5 हज़ार के आसपास इससे आप 1 रुपये वाली पेप्सी है वो तैयार कर पाओगे। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक वाइट के अंदर ट्रांसपेरेंट रोल मिलता है, इसके अंदर भी आप एस्टीमेट 1 रुपये के अंदर जो दूर वाली पेप्सी बिकती है वो 8 हज़ार के आसपास है वो तैयार कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर अगर आप 1 रुपये वाली 2 रुपये वाली करते तो 5 हज़ार के आसपास इसकी पेप्सी है वो तैयार हो जाएगी। और ये वो वाला रोल है जिसके अंदर 1 इंच का रोल है, जो मैंने पहले आपको बता दिया था, मतलब कि टोटली इसके अंदर आपको 4 रोल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पानी वाली पेप्सी बनाने के लिए हमने इस खास किट के अंदर, अगर आप पानी वाली बनाते हो, वैसे पल्पी वाली पेप्सी अगर पानी वाली भी बनानी है तो इसके अंदर हमने 3 कलर है वो मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह है कि स्पेशल गंगा की मशीन, जो कि मैंने बता दें इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है और सीलिंग प्लस कटिंग दोनों करती है। और यहाँ पर दोस्तों जो पेप्सी कटिंग हो रही है ना, ये भी आपके गंगा वाली मशीन से ही हो रही है, मतलब कि क्वालिटी आप देख पाओगे कि 0% लीकेज के साथ, मतलब कि इसकी जो पेप्सी काटने की यहाँ पर जो सील हो रहा है ना, सीलिंग प्लस कटिंग, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। और आप देख पाओगे कितनी फुर्ती से आप इसके अंदर वो पेप्सी काट सकते हो, और 0% लीकेज में इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों इसको मैं वापस अनबॉक्स करके आपको बता देता हूँ, तो ये जो मशीन आती है ये पूरी आयरन की बनी हुई आती है, इसकी क्वालिटी और लाजवाब क्वालिटी आती है, और इस प्रकार की इसकी पैकेजिंग रहती है। अगर ये ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके पास पहुंचती है ना, तो 0% कंप्लेन आएगी आपको। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसका एस्टीमेट वजन 3 kg के आसपास रहता है मशीन का। और ये है पर दोस्तों इस मशीन को खरीद लेने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ये सवाल पूछे थे कि सर इसके जो वाइट कलर का कपड़ा, ये हटाना या नहीं हटाना, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये कपड़ा आपको हटाना नहीं है। इसको पिन के अंदर आपने सीधे डाल दिया, इसको लाइट के अंदर प्लग के अंदर डाल दिया, और ये मशीन आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि सीधा डालते ही प्लग एंड प्रेस करना है, मतलब कि सीधा सीधा आपकी मशीन वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर इसका कपड़ा और वायर ऊपर का ख़राब होता है तो इसके अंदर आपको इस प्रकार की स्ट्रिप मिलेगी, जिससे आपकी जो पेप्सी की है, मतलब कि जो कटिंग करोगे ना, तो उसके अंदर एक टाइम बाद ये ख़राब हो जाता है। सीधी सी बात है, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद, तो ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली हमें कॉल करोगे, व्हाट्सएप या फिर हमारी साइट पर ही अवेलेबल है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात कि ये जो मशीन आती है ये फुल्ली
कॉपर की मशीनें आती हैं। पहले जो मशीनें आती थी वो एल्यूमिनियम के आते थे, जिसके अंदर जो लेवल टेम्परेचर हम सेट करते थे ना, तो उसके अंदर मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर सेट करते थे ऊपर वाला खराब होने का हिस्सा मतलब कि चांसेस ज़्यादा रहते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो मशीनरी आती है ये फुल्ली कॉपर की आती है, तो आपको एक 20% मतलब कि चिंता करने की जरूरत नहीं। प्लस सीलिंग प्लस कटिंग मशीन है यहाँ पर दोस्तों, ये जो मशीन आती है फुल्ली कॉपर की मशीन। अब कॉपर की मशीन और एल्यूमिनियम की मशीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो एल्यूमिनियम की जो मशीनें आती है ना, उसके अंदर मतलब कि जो विद्युत की धारा होती है ना वो कभी समान नहीं चलती, अप डाउन चलती है। अप डाउन चलने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर का जो ये वायर आता है ना, जो इसके ऊपर जो स्ट्रिप जो लगी हुई है ना, ये खराब हो जाती है। सीधी सिंपल सा गणित ये, एल्यूमिनियम की अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो ये वाला जो वायर है ना ये खराब हो जाएगा, ये इसका लॉजिक है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप जब अपने घरों की फिटिंग वगैरह भी कराते हो ना, तो सारे कॉपर के अंदर करवाते हो, तो कॉपर के अंदर क्या होता है कि जो विद्युत की जो धारा होती है ना वो एक समान चलती है ना, तो जिसके अंदर क्या होता है कि कभी भी उसके अंदर कटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, तार वायर जलने का खतरा नहीं रहता। उसके बाद उसका जो ट्रांसमीटर होता है ना वो बराबर तरीके से काम करता है, मतलब कि उसकी जो लाइफ होती है ना 5 से 6 साल हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर हमने स्पेशल कॉपर का यूज किया, ट्रांसमीटर और सारे जो वायर सारे कॉपर के आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई भी मतलब कि मशीन के अंदर प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं कि यार वो लीकेज कर रहा है, सीलिंग नहीं कर रहा, बराबर कटिंग नहीं कर रहा है, उसका जो कपड़ा वायर खराब हो गया, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं यार मुझे बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट करना है, मैं किस प्रकार से करूंगा, तो आपको डायरेक्टली कॉल करना या फिर हमारी सीधी सी एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहां से इसको बाय करना है। ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरा यूट्यूब पर वीडियो तो देख रहे हैं, उनको खुद को बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं दूसरे लोगों को भी ये बिजनेस दूं, कि मैं ऐसे बहुत सारे गरीब लोग या बेरोजगार लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, वो अगर दूसरे लोगों को भी प्रेरित करे तो इस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं, इस प्रकार उसकी पैकेजिंग करके मार्केट के अंदर बेचते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हैं। अपने खुद के नाम का ब्रांड बना के आप मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। मतलब कि किसी ने सही कहा कि आप किसी को खाना खिला दोगे तो वो मतलब कि एक बार याद रखेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जिनको अगर आप रोजगार दोगे ना तो उनका पेट भी पूरे मतलब कि जितने टाइम तक वो जीवित है तब तक उसका पेट भरता रहेगा, उसकी फैमिली भी है वो पेट भरती रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आप एक कैसा बिजनेस करते हो, किस प्रकार से करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी सोच हमारी कि इस प्रकार के पैकेजिंग पाउच को आप मार्केट के अंदर बेचकर बहुत ही अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरा पैकेट है ना ये आपके 9 रुपये के अंदर तैयार होगा, इसके अंदर पूरे 25 पैकेट है और ये आपको 17 से 18 रुपए के अंदर रिटेलर को बेचना है। रिटेलर वापस इसको 1 रुपए की रेट के अंदर मार्केट के अंदर बेचेगा, मतलब कि रिटेलर भी इससे कम से कम 9 से 10 रुपए कमाएगा। आप होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग हो तो भी आप इससे 9 से 10 रुपए कमाओगे, तो है ना एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर दोस्तों बातों ही बातों के अंदर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, क्या कि गर्मियों की सीजन आते ही सबकी सीजन स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो पेप्सी वाला हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स वाला हो, या फिर अक्सर मार्केट के अंदर कोई भी अगर ठंडी चीज़ें बेचता है ना उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या कि हमारे पास गर्मियों के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट है, हमारे पास पाउच फिलिंग मशीन भी है, पेप्सी वाला कॉन्सेप्ट भी है, जेली वाला भी है। क्या गर्मियों के सीजन के अंदर हमारे पास भी बहुत सारी इंक्वायरी आती रहती है, तो हम क्या ज़्यादातर कॉलिंग के अंदर व्यस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको उसकी भी मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा कॉल कब उठाएंगे, मुझे कब जवाब देंगे, मेरा माल कब भेजेंगे, मैं उनको कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हमने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमने निकाला है हमारी खुद की एप्लीकेशन, जो कि हमने बताया कि प्ले स्टोर पर राइट ह्यूमन करके, उस एप्लीकेशन पर आपको सीधे से विजिट करना है और अपना कोई भी मनपसंद जो भी आपको प्रोडक्ट लगता है कि नहीं मुझे पल्पी पेप्सी वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आप ले सकते हो, पेप्सी वाला चाहिए न्यू किट 2022 वो ले सकते हो, पेप्सी वाला चाहिए जो ओल्ड हमारा कॉन्सेप्ट है वो ले सकते हो, पाउच फिलिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट चाहिए कॉम्बो किट आप वो डायरेक्टली बाय कर सकते हो। मतलब कि 5000 तक वहाँ पे 500 रुपये ऑटोमेटिकली एडवांस ले लेगा, 5000 के बाद 10000 रुपये की रेंज के अंदर 1000 रुपये एडवांस हो जाएंगे और 10000 से 20000 रुपये की रेंज के अंदर ऑटोमेटिकली अपनी एप्लीकेशन है वो 2000 रुपये एडवांस ले लेगी और वहाँ से आपको बिल और उसका ट्रैकिंग नंबर हाथों हाथ ही जनरेट होकर मिल जाएगा और दूसरे से तीसरे दिन आपका माल यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको विद इन 5 से 6 दिन के अंदर आपको माल मिल जाएगा। और ध्यान रहे, जब तक आपको आपका माल नहीं मिलता है तब तक OTP किसी को नहीं दे। OTP मतलब कि जब आपको कोरियर वाला आपके पास आता है ना, क्या पार्सल हमारे सारे भारी होते हैं, तो कोरियर वाला आपको डायरेक्टली ये कॉल करके बोल देगा कि सर OTP दे दो मैं नेक्स्ट डे पार्सल दे दूंगा, तो आपको OTP किसी को नहीं देनी, क्योंकि OTP देते ही वो पार्सल वहाँ से रिटर्न हो जाता है। उसके बाद आप अपने नियर बाई लोकेशन के अंदर जो हम आपको
कोरियर का एड्रेस देंगे तो वहाँ पर देखें कि वो कोरियर ऑफिस का है, पॉसिबल हो तो वहाँ पर पार्सल लेने जाए, क्योंकि सारे पार्सल हैवी और भारी होते हैं इस कारण से। और ये सलाह आपके लिए फायदेमंद तब रहेगी जब आप एक बड़े बिजनेस की तरफ ग्रोथ करोगे तब। तो यहाँ पर दोस्तों ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे लोगों को बताना, इंडिया की बहुत सारी पब्लिक को बताना है, क्योंकि इंडिया का सबसे सस्ता बिजनेस कॉन्सेप्ट है। पॉकेट मनी से आप अपना खुद का बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।